नमस्ते जोशी पामिस्ट्री में आपका स्वागत है। हस्तरेखा पर विशेष जानकारी का ये मेरा 23वां वीडियो है और वीडियो के अंत में स्पेशल टिप्स का आज का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण डायबिटीज अर्थात मधुमेह के बारे में है। जो हस्तरेखा का विषय है वो पतंग अर्थात अंग्रेजी में काइट है, जो मुख्यतः ये गुरु के क्षेत्र और अनामिका उंगली के नीचे सूर्य के क्षेत्र पे पाया जाता है। परंतु वर्तमान में पिछले कई वीडियो से मैं गुरु के क्षेत्र पर पाए जाने वाले विशेष चिन्हों के बारे में बतला रहा हूं और इस क्षेत्र पे पाया जाने वाला यह 17वां चिन्ह है। जब पतंग का चिन्ह जो कि इस प्रकार का होता है, ये मत्स्य अर्थात मछली अर्थात फिश के चिन्ह जैसा भ्रम उत्पन्न करता है, परंतु मछली का चिन्ह इतनी चौड़ाई में नहीं होता, वह मत्स्य मछली का चिन्ह लंबाई में होता है। तो यह जो पतंग का चिन्ह है यह यदि गुरु के क्षेत्र में पाया जाता है तो यह भाग्य को प्रबल बनाता है। गुरु का क्षेत्र ज्ञान विज्ञान प्रशासन नेतृत्व अध्यात्म रहस्यमय विद्या अर्थात मिस्ट्री साइंस इत्यादि को गवर्न करता है और इन क्षेत्रों में जो लोग काम करते हैं उन्हें प्रसन्नता मिलती है, समृद्धि मिलती है, परंतु देरी से मिलती है। इसकी एक निगेटिव साइड भी है, वो ये है कि जब ऐसे लोगों को सफलता मिलना प्रारंभ होती है तो उनके विरोधी भी उत्पन्न हो जाते हैं और उनकी टांग खींचने का प्रयास करते हैं, परंतु ऐसा प्रारंभ में ही होता है और इसके कारण ऐसे लोग अवसाद अर्थात डिप्रेशन के शिकार भी हो जाते हैं, परंतु अंततः ऐसे लोग शीर्ष पर पहुंचते हैं, अपने क्षेत्र में शीर्ष पर पहुंचते हैं। जो आज का विषय है डायबिटीज, उसके संबंध में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की श्रीमती नीरज दुबे ने चाहा कि मैं आज की ज्वलंत स्वास्थ्य समस्या डायबिटीज अर्थात मधुमेह के बारे में यदि कोई सरल घरेलू चिकित्सा हो तो बतलो। नई दिल्ली से भारत की प्रतिष्ठित पत्रिका कादम्बिनी प्रकाशित होती थी, उसके सितंबर 1998 के अंक के पृष्ठ क्रमांक 21 पर अर्थात आज से 22 वर्ष पूर्व डायबिटीज की सरल घरेलू चिकित्सा उसमें प्रकाशित हुई थी। तब मैंने उसे पढ़ी थी, परंतु उस समय मेरा कोई मिलने वाला या मेरा कोई निकट संबंधी इस रोग से ग्रस्त नहीं था। यदि होता तो मैं उसे बताता और मुझे याद रहता, परंतु दो दिन पूर्व मुझे ये पत्रिका जो कि मेरे पास संयोग से रह गई थी मिली और मैं पत्रिका से ही जो प्रकाशित किया गया है वो पढ़ के सुनाऊंगा, क्योंकि स्वास्थ्य जैसे गंभीर विषय में भी लोग 25% 50% 75% और यहां तक कि 100% झूठ बता देते हैं, क्योंकि उन्हें उनके व्यूअर्स बढ़ाने में अधिक विश्वास रहता है। इसलिए मैं इस पत्रिका से ही पढ़ के बताऊंगा। पत्रिका के संपादक श्री राजेंद्र अवस्थी को तत्कालीन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक श्री केसी सुदर्शन जी ने यह जानकारी दी थी और उन्होंने जिस ढंग से प्रकाशित किया है वो मैं पढ़ के सुना रहा हूं। सुदर्शन जी ने डायबिटीज के रोगियों के लिए भी एक मजेदार दवा बताई, यद्यपि उन्हें डायबिटीज नहीं है, दवा बहुत साधारण है। 250 ग्राम भिंडी बाजार से खरीद लीजिए, उसे धो लीजिए, फिर भिंडी को बीच में से सीधे चीर दीजिए, एक बर्तन में उसे रखकर उसमें इतना पानी डाल दीजिए कि भिंडियां डूब जाए। रात भर उन्हें पानी में डूबी रहने दें, प्रातःकाल उठते ही भिंडियां निकालकर बाहर कर दें और बचा हुआ रस पी जाएं। शुरू में पीने में कुछ असुविधा हो सकती है, लेकिन आखिर इतने बड़े रोग का इलाज करने के लिए उसे पी जाएं
केवल 7 दिन लगातार पीने से डायबिटीज समाप्त हो जाएगी। उसके बाद सावधानी रखना और जरूरत पड़े तो फिर इसी दवा का प्रयोग करना लाभप्रद होगा। यहां मैं मौखिक डिस्क्लेमर के रूप में यह स्पष्ट कर दूं कि इसे किसी प्रकार की मेडिकल एडवाइस नहीं माना जाए, और चूंकि डायबिटीज के रोगियों को बाद में जाकर कुछ अन्य कॉम्प्लिकेशन जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, आई प्रॉब्लम अर्थात ग्लूकोमा आदि हो जाते हैं और उन्हें संशय रहता है कि वे किसी चीज का उपयोग करें या नहीं करें। हालांकि डायबिटीज के रोगी भी भिंडी की सब्जी खाते हैं, और चूंकि मैंने ये चिकित्सा मैं पहले किसी को बता नहीं पाया था, इसलिए इसका सही सही पढ़ना मुझे ज्ञात नहीं है, इसलिए वे इसकी 1/4 मात्रा अर्थात 50-60 ग्राम महीने भर तक उपयोग करें, फिर शुगर टेस्ट करवा कर और शुगर में जितनी कमी आए उसे अपने चिकित्सक को बताकर अपनी दवा में संशोधन करवाकर फिर इस 250 ग्राम वाले प्रयोग को करें और पूर्ण निगाह रखें। यदि उन्हें पर्याप्त लाभ होता है तो उनका चिकित्सक उनकी दवा को घटा देगा। आज 26 अप्रैल 2020 सेकंड लॉकडाउन का 12वां दिन है। हम हमारे घर में हैं और बाहर कोरोना से जो योद्धा युद्ध कर रहे हैं उन्हें पूर्ण सहयोग एवं समर्थन प्रदान करें। साथ ही आज की सबसे बड़ी समस्या डायबिटीज पर, चूंकि मेरा यह वीडियो है इसलिए यदि उचित समझे तो शेयर करें ताकि अन्य लोगों को लाभ हो। धन्यवाद। नमस्कार।